हेलो दोस्तों, आपका अपकमिंग एडविक चैनल में स्वागत है। चिंता कर कभी कुछ हल नहीं होता, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होता। सफलता चिंता करने से नहीं, केवल प्रयास करने से ही मिलती है। कल की जिंदगी की चिंता करने का मतलब आज की जिंदगी की चिता जलना। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मुश्किलें भले ज्यादा हों पर मुस्कुराहट कम ना हो। ये सोचकर चिंता मत कीजिए कि कल क्या होगा, बल्कि ये सोचकर जियो कि क्या पता कल हो न हो कल क्या होगा। ये राज है, पर जिंदगी का नाम आज है। टेंशन लेना जले कोयले को हाथ में लेने जैसा है, जिसका फायदा कुछ भी नहीं, बस नुकसान ही नुकसान है। खुश इतना रहो कि चाहने वाले खुश हो जाए, और जलने वाले नाखुश चिंता कभी भी मुसीबत के बारे में सोचने से दूर नहीं होगी, अपितु उसका हल खोजने से दूर होगी। एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो पर उनका हल जरूर मिलता है। अगर आप समाज के डर से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप भी समाज का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति भी समाज के डर से कुछ नहीं कर पा रहा है। मुश्किलें भले परेशानी से हल होती है, पर परेशानी लेकर कोई परेशानी हल नहीं हो सकती। बीते कल के पछतावे में और आने वाले कल की चिंता में अपने आज के जीवन को बेकार मत कर देना, जिंदगी कट जाएगी। पर मुश्किलें कम नहीं होंगी तो क्यों ना हम मुश्किलों में मुस्कुराना सीखे, इसे जीना शुरू कर दें। तनाव में व्यक्ति भावनाओं के बहाव में बह जाता है। कब तक बस अपने काम से काम रखोगे, कभी तो थक कर आराम भी करोगे। मुस्कुराओगे जो हर समय तो ये जिंदगी निखर जाएगी, तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। ये जिंदगी की दौड़ है, यहां भले थक जाना पर हारना मत, मुस्कुराइए। अगर सब कुछ भी खत्म हो गया है तो क्या हुआ, कम से कम अभी जिंदगी बाकी है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। ऐसे ऐशो आराम को पाने का प्रयास करने में कोई फायदा नहीं जो आपका सुकून छीन ले। ये सोचना छोड़ दीजिए कि ये सब कब ठीक होगा, और ये सोचना शुरू कर दीजिए कि सब ठीक होगा। तनाव इंसान को जिंदा लाश बना देता है। खुद के लक्ष्य के पीछे इतना कार्यरत रहिए कि आपको तनाव से मिलने का वक्त ही ना मिले। कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, इससे जरूरी सवाल यह है कि आज अभी इसी वक्त क्या करना है। परेशानियों से परेशान मत होना, क्योंकि परेशानी और वक्त चाहे जैसी भी हो बीत ही जाती है। हमें कोई खुश नहीं कर सकता जब तक हम खुद खुश ना रहना चाहते हों। यदि इंसान अपने से अच्छे जीवन वाले की बजाय अपने से बुरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगे तो वह हर परिस्थिति में तनाव मुक्त रह सकता है। जैसे ही आप परिस्थिति से भागना छोड़ परेशानियों का सामना करना प्रारंभ कर देंगे, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। जब भी आपसे कोई चीज छीन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता, खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। हे, अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती। हे धन से, हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता वो आग तो बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। एक पक्षी यदि यह सोच ले कि वह उड़ नहीं सकता तो उसके पंख किसी काम के नहीं रह जाते। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रयास से पहले ही डर जाता है तो उसकी कौशल एवं कला किसी काम की नहीं रह जाती। खुशी का केवल एक ही रास्ता है, और वह है
उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देना जो हमारी इच्छा शक्ति से परे हैं। चिंता अपने कल को दुखों से खाली नहीं करती, बल्कि केवल आज को अपनी ताकत से खाली करती है। जो बुराइयां कभी हुई ही नहीं, उनसे हमें कितना कष्ट हुआ, हमारे पास एक पाई होनी चाहिए। एक पाई की उपस्थिति में तनाव मौजूद नहीं हो सकता। मनुष्य के मामले में कोई भी चीज बड़ी चिंता के योग्य नहीं है। बाहर जो चल रहा है उसे आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अंदर जो चल रहा है उसे आप हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं, जो आपके पास है, जहां आप हैं, वहीं करें। चिंता एक हिलती हुई कुर्सी की तरह है। यह आपको कुछ करने को देता है, लेकिन यह आपको बहुत आगे तक नहीं ले जाता है। जीवन 10% वह है जो आप अनुभव करते हैं, और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। चिंता का जन्म उसी क्षण हुआ जब मानव जाति का जन्म हुआ, और चूंकि हम इस पर कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, जैसे हमने तूफानों के साथ जीना सीखा है। हर बार जब आप उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रलोभित हों, तो पूछें कि क्या आप अतीत का कैदी बनना चाहते हैं या भविष्य के अग्रदूत बनना चाहते हैं। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगे, लेकिन हर तरह से चलते रहें। चिंता अक्सर छोटी सी बात को बड़ा रूप दे देती है। चिंता न करो, अपना बेहतर दो। मुश्किल समय है यह, लेकिन खुद को शांत करो और इस मुश्किल समय को बीत जाने दो। जब कोई न हो तो खुद को बहला लो, चिंता के अंधेरों पर उजियारा फैला लो। भीड़ में अकेला होना पड़े फिर भी, शोर में खामोश रहना पड़े फिर भी, खुद को हिम्मत देते रहना हमेशा, चाहे हो जाए जीवन में कुछ भी। मन को उड्ढान दो, सोच को आकाश दो। चिंता होना हार नहीं, ये खुद को विश्वास दो। अगर चिंताएं जीने नहीं देती तो अच्छी सोच खुद को खोने नहीं देती। होता है हर रात के बाद सवेरा, उम्मीद दामन छोड़ने नहीं देती। मन को रखो शांत दोस्तों, तन को रखो कांत दोस्तों। सोच सोच कर क्यों रोते हो, इस समय को गुजर जाने दो दोस्तों। खुद को दुख क्यों है देना, सोच सोच कर परेशान क्यों है होना। हिम्मत है तुम्हारे हर आंसू का जवाब, मन से यह हौसला कभी न है खोना। गुजर जाती है हर काली रात, बेवजह न सोचो तुम कोई बात। चिंता से मन की शांति क्यों खोते हो, नया दिन लाएगा खुशियों की सौगात। अगर हो डिप्रेशन में तो खुश रहो, अगर सोचते हो ज्यादा तो व्यस्त रहो। अगर दिल टूटा है तुम्हारा तो फिर विकल्प चुनो। रोशनी की कद्र अंधेरों से होती है, अपनों की परख भरोसे से होती है। हार कर उठना ही जीवन है दोस्तों, काली रात के बाद ही तो सुबह होती है दोस्तों। निराशा को त्याग कर आशा चुनो, सुस्ती को छोड़कर प्रसन्नता चुनो। जीवन में खुशी आए या कोई गम, खुद को हिम्मत देते रहो। हरदम मन में क्यों अवसाद है दोस्तों, किसके लिए बर्बाद हो दोस्तों। जिंदगी हर पल जीने का नाम है क्यों, गहरी सोच में डूबते हो यारों। जब घेरे उदासी तब बात करो, बैठो मिलो और मजाक करो। जो मिला समय उसमें काम करो, न रहो कुछ बात करो। ये समय यूं ही बीत जाएगा दोस्त, समझो, जिसमें यह व्यर्थ ना हो। उदासियां स्थायी नहीं होती, उनकी उम्र छोटी है। उदासी समय से डरती है, उसकी प्रकृति विरोधी है। तू हौसला है, बढ़ना काम है तेरा। तेरे सामने जिंदगी में विकल्प और भी हैं। जो फूल खिलने की चाह रखते हैं उन्हें आंधियां भी नहीं रोक पाती हैं। अभी से घबरा गए हो क्या, अभी तो सफर की शुरुआत है चलने वाले। तू पांव के घाव न देख, कौन है संग तू साथ न देख। अभी तुझे बहारों से भी मिलना है, सब्र कर तू अभी से अंजाम न देख। बीता हुआ कल एक सपना था, आने वाला कल उम्मीदों से भरा होगा। उम्मीद से मिलती हैं उपलब्धियां, विश्वास से मिलता है मौका, आत्मविश्वास से आती है हिम्मत, मन से दूर हो जाती हैं खामियां। उदासी के बादल छट जाएंगे, उम्मीद के सागर नजर आएंगे। विश्वास से दूर होगा मन का अंधेरा सवेरा बनकर, ये दिन भी कट जाएंगे। राहों में हो कितना भी अंधेरा, सच का साथ तुम निभाना। आएंगी कई मुश्किलें सफर में, तुम उम्मीद का दामन न छोड़ना। चिंताओं से खुद को आजाद करो, मन को व्यथाओं से न बर्बाद करो। मुश्किल सही राहें सफर की, लेकिन मंजिल हंसी होगी, खुद पर विश्वास करो। खुद ने ही खुद को बहलाया, अंधेरों में दीप जलाया। मांगा नहीं किसी से, साथ अपनों का साथ हो, साथी का विश्वास हो, विजय तुम्हारे पास हो। सराहना से सफलता, व्यवहार से बदलाव है, निरादर से कायरता। ज्यादा सोचकर क्या पाओगे, क्या मन को समझा पाओगे। आसान है भूल जाना,
लेकिन क्या बीते पल लौटा पाओगे? समय है गुजर जाएगा, मन है बदल जाएगा, उदासी टिक कर नहीं रहती, कभी एक पड़ाव है ढल जाएगा। ये कहकर मेरे मन ने हौसला बढ़ा दिया है। उदासी की धूप के आगे खुशियों के साए हैं। उम्मीद और विश्वास बांध कर रख दो, कहीं जब उदासी घेर लेगा तब हौसला ये ही बढ़ाएंगे। आशाओं के घरौंदे होंगे, मन से दूर अंधेरे होंगे। बदल कर देखो सोच अपनी, कल राहों में नए सवेरे होंगे। सोच बदलो, राह बदलेगी, चिंता छोड़ आह बदलेगी। मन से निकाल दो उदासी, उम्मीद तो करो, फिर बात बदलेगी। अपने दुखों को नहीं, अपने भविष्य को आकार दो। उठो, बदलो सोच, अपने सपनों को नई पहचान दो। जब दुख ज्यादा होता है तब अधिक उम्मीदें फूटती हैं। उदासी को अपनी जिंदगी में इतनी भी जगह न दें कि भविष्य की खुशियों पर आप स्वयं ही रोक लगा दें। जागो, अब सवेरा हो चुका है, दुख का सपना टूट चुका है, सब्र करो, यही मरहम है इसका। उदासी का वक्त बीत चुका है, क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो, ऐसे चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को रास्ता दिखाओगे। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। आप कितनी ही चिंता क्यों ना कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो? यदि लोग तुम्हें नहीं समझते, चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है जिसमें से निकलने की फिर कोई बात नहीं सूझती। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। चिंताएं, परेशानियां, दुख और तकलीफें परिस्थितियों से लड़ने से नहीं दूर हो सकती, वे दूर होंगी अपनी अंदरूनी कमजोरी दूर करने से जिसके कारण ही वे सचमुच पैदा हुई हैं। बिस्तर पर चिंताओं को ले जाना, पीठ पर गट्ठर बांध कर सोना है। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। पुराने समय में एक राजा के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में अपना आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और स्वर्ण मुद्राएं बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूं, मुझे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहां क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है, मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है,
फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूं। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं, ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज को ही जीना भूल जाते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे, वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से रोज का खर्च हो रहे हो, उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें, फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसी होंगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही नहीं जीना भूल जाते। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूं, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए, और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है, वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूं, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना घर बढ़े मजे से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और वह ठीक हो गए। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।